सब्सक्राइब कीजिए देवा सिलोनिया चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवा सिलोनिया और आज आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल, जिस पे मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारे फ़ोन का जो फेस लॉक डाटा होता है, जो फेस लॉक जो चेहरे से फ़ोन का लॉक खुलता है वो कैसे खोलते हैं और उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं अपने रेडमी नोट 5 प्रो में, और रेडमी की जितनी भी डिवाइसेज है सब में सेम फीचर वो जो इसका प्रोसेस होता है वो सेम होता है। तो हम आज यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे कि कैसे फेस डाटा अनलॉक करना है और कैसे हमें कहाँ से यूज करके इसको फेस को अनलॉक करना है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधा जाना है सेटिंग में। हम सेटिंग में जाते हैं जहाँ पे हम ये फेस अनलॉक करेंगे। तो उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिस किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाके सेटिंग ओपन करेंगे हम। सेटिंग ओपन करने के बाद उसके बाद हम सीधा जाएंगे जो हमारा ये लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड्स है, इसमें जाएंगे हम। यहाँ जाने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन सबसे ऊपर दिख रहे हैं, मैनेज फिंगरप्रिंट्स और ऐड फेस डाटा। तो हमें फिंगरप्रिंट्स जो हमारा है वो ऑलरेडी पहले से ही मैंने यहाँ पे अनेबल कर रखे हैं, हमारे जो मेरे फिंगरप्रिंट है वो ऑलरेडी पहले से ही अनेबल हैं। तो अभी हमें करना है फेस डाटा अनेबल। तो उसके लिए हम यहाँ से ऐड फेस डाटा, फेस डाटा पे क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद ये दोबारा पैटर्न मांगेगा हमारा, हम पैटर्न इसके अंदर डाल देंगे। और जैसे ही हम पैटर्न डालेंगे तो इसमें लिखा हुआ है सिक्योरिटी फेस अनलॉक इज लेस सिक्योर देन ए पिन पासवर्ड और पैटर्न, योर डिवाइस माइट बी अनलॉक्ड विद योर फोटो एज वेल एज बाय पीपल और ऑब्जेक्ट विद सिमिलर अपीयरेंस। तो मेक श्योर ऑल पार्ट्स ऑफ योर फेस आरंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल क्लियर विजिबली, योर फेस शुड बी वेल लाइट एज वेल। तो ये इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें लिखा हुआ है कि आपकी फ़ोटो से भी कोई आपका डाटा खोल सकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइटनिंग में अपने जो कि ये आपका है इसको एक्टिवेट करें। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर लाइट हो वहाँ पर खड़े होकर अपने इस प्रोसेस को पूरा करें। तो चलो हम अपनी प्रोसेस पूरा करते हैं, हम नेक्स्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट पे करते हैं, ये कैमरा लोड हो रहा है, देखो ये अभी यहाँ पे ये ऐड हो गया है इसके अंदर। अब देखो ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है, अब हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जैसे ही हम बाहर जाएंगे, बाहर जाने के बाद अभी यहाँ से हम मैं अपने फ़ोन को लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद जैसे मैं अपने पे ही खुल गया है फ़ोन, मेरा फेस इसके सामने आते ही देखो दोबारा से एक बार दिखाता हूँ। देखो तो ये फीचर बहुत बढ़िया है, लेकिन उस यही है कि इसका कोई फ़ायदा भी उठा सकता है, लेकिन वैसे नॉर्मली ये कोई ज़्यादा हम इतना सिक्योर चीज़ें रखते नहीं। तो फेस अनलॉक को आप यूज़ करिए, बहुत बढ़िया प्रोसेस है और बहुत आसान है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। तो जिस मेरी रिक्वेस्ट है कि आज आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें और आने वाली वीडियो का वेट करें। ओके बाय, थैंक यू।